सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आज का यह वीडियो बेहद ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी जानकारी होते हैं जो अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी देने वाले हैं जिसे जानकर जीवन के हर मोड़ पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आखिर सबसे बड़ा पुण्य क्या है, इसे हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐसो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था, उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या फिर नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफ़ी मोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा वही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। ए राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की उपासना से बढ़कर है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दिन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करते हैं।
हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। मित्रों, धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य भगवत गीता में बताए गए तीन प्रकार के कर्मों को करने से मिलता है। दैनिक कर्म जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, नैमित्तिक कर्म जो हम नियमित अंतरालों में करते हैं जैसे यज्ञ पूजा सदाचार आदि, काम्य कर्म जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं जैसे धन कमाना, स्वार्थपरता, लोभ आदि। धर्म के अनुसार दैनिक और नैमित्तिक कर्म करने से संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है जो समाज के लिए भलाई के रूप में उपयोगी होता है। इसके अलावा निष्काम कर्म भी सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है जो आपके स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया जाता है। धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य उस क्रिया या आचरण से होता है जो समाज के लाभ के लिए किया जाता है, जैसे कि गरीबों या बेसहारा लोगों की सहायता करना, जीवन बचाना, स्वच्छता बढ़ाना और विश्वास की रक्षा करना। धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य भी उस कार्य से होता है जो ईश्वर को प्रसन्न करता है या उससे निकटता बढ़ाता है। प्रिय मित्रों, आपके कर्म ही है जो इस लोक में साथ निभाते हैं और परलोक में भी आपके साथ जाते हैं। पुण्य कर्म आपको अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म हमेशा बुरा फल देते हैं। अच्छे कर्मों से आपके जीवन की सभी परेशानियां चुटकी भर में हल हो जाती है। शास्त्रों में इस पर पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही परलोक में स्थान पाता है। बुरे कर्मों वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद कई तरह की यातनाएं तक झेलनी पड़ती है। गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आत्मा की उन्नति और अधोपति सभी कुछ शरीर में रहकर ही संभव है। अर्थात आप जो कर्म चेतना में रहते हुए जीवित अवस्था में करते हैं वही आपके लिए मृत्यु पश्चात आते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे पुण्य कर्म भी है जिन्हें शास्त्रों के अनुसार बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। उन्हीं में ये पांच कर्म आपको कई पुण्य कर्मों के बराबर का फल देने की शक्ति रखते हैं। सबसे पहला और अनेकों पुण्य के बराबर फल देने वाला कर्म है माता पिता का आदर व सेवा करना। ये ऐसा कर्म है जिसने अपने प्रताप से भगवान श्री गणेश को देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने का गौरव दिलाया। इसी कर्म के फल को गणपति जी की पूजा सभी देवताओं सबसे पहले की जाती है। इसलिए माता पिता के सम्मान से बड़ा पुण्य कर्म कोई और नहीं हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी बेजुबान प्राणी पर दया और क्षमा ये दोनों भावों को रखने वाला हर जगह सम्मान पाता है। यदि आपको सम्मान और अपनी गरिमाएं का सर्वोच्च फल चाहिए तो हमेशा बेजुबान प्राणियों के प्रति प्रेम और दया की भावना रखनी चाहिए। बेजुबान प्राणियों की सेवा आपको कई सुकर्माएं का फल देने की शक्ति रखती है। कहते हैं जो बेजुबानों की सेवा करता है उस पर स्वयं माता कामधेनु की कृपा होती है। ईश्वर की शरण में आकर कई पापों की क्षमा एक पल में मिल जाती है। यदि आप प्रतिदिन ईश्वर की वंदना करें, मन और भक्ति भाव से करें तो ये निश्चित मानिए कि प्रभु का आशीर्वाद आपके समस्त संकटों को हरने के लिए आपके साथ हमेशा रहता है। साथ ही ईश्वर की कृपा से आपको इसलोक अथवा परलोक में कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए प्रभु वंदन में बिताया गया समय आपको कई पुण्य कर्मों के बराबर फल देने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में कई जगह इस बात का विस्तार से वर्णन है कि दान से बढ़कर कोई परोपकार नहीं है। महर्षि अदिति, कर्ण आदि के अनेक दिव्य आत्माओं ने इसका परिचय हमसे करवाया है। दान देने से पहले और बाद में आपके मन की क्या भाव है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। दान देने का फल तभी मिलता है जब दान देने वाले व्यक्ति के मन में अहंकार या घमंड ना हो।
दिखावे के लिए किया गया दान सत्फल नहीं देता है। दान देने से पहले और बाद में अपने मन के भाव को स्थिर रखना चाहिए। इस प्रकार दिया गया दान कई शुकर्माएं के बराबर फल देने की शक्ति रखता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलने से आपके कई पुण्य कर्मों के फल तक नष्ट हो जाया करते हैं। इसलिए हमेशा सत्य बातों को ही अपने मुख से बोलना चाहिए। कई बार परिस्थितियां विषम हो जाती है, फिर भी आप हमेशा सच ही बोलने का प्रयत्न करें। सच्चे मनुष्यों से परमात्मा भी खुश रहते हैं और झूठ बोलने से बचकर आप कई पुण्य कर्मों का फल बचा सकते हैं। इसलिए सदैव सच बोले। तो मित्रों, कैसी लगी ये हमारी प्रस्तुति, कमेंट में जरूर लिखें और एक बार पूरे श्रद्धा से जय श्री कृष्णा बोलकर वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और जय जय पुण्यदाता।